हेलो, हैव यू मिस्ड योर पीरियड्स विदाउट टेकिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स? आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक गई है और आप अबॉर्शन पिल्स का यूज करना चाहते हो, तो लेट अस टॉक अबाउट अबॉर्शन पिल्स टुडे। हालांकि ये पिल्स मेडिकल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है, बट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू नॉट टू टेक दिस पिल्स विदाउट योर गायनेक गाइडेंस। आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाके सोनोग्राफी करा के कंफर्म करा लेना चाहिए कि आपको 8-10 वीक्स के अंदर ही है ना प्रेगनेंसी। और सेकेंडली, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी नहीं है ना, क्योंकि दोनों कंडीशंस में आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये पिल्स ली जाए तो। अगर आप एबॉर्शन पिल्स लेते हो तो आपको आप एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। यू कैन हैव एक्सेसिव वॉमिटिंग, नोशिया, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। आपको सीवियर ब्लड क्लॉट्स पास हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या पिल्स लेने के 48 आवर्स के बावजूद भी आपको ब्लीडिंग चालू नहीं हो और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सके, ऐसा भी हो सकता है। आपको परसिस्टेंट फीवर आ सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। रेडली आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो जब भी आप ये पिल्स लेते हो और आपको 48 आवर्स में अगर ब्लीडिंग चालू नहीं होता है या आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, आपको ब्लड क्लॉट्स ज्यादा पास होते हैं, आपको एवरी 2 आवर्स पैड्स चेंज करना पड़ता है, तो आपको तुरंत आपके गायनेक डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, तो भी आफ्टर 2 वीक्स यू शुड गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योर सोनोग्राफी डन, सिर्फ चेक करने के लिए कि आपको कंप्लीट अबॉर्शन हो गया है ना। बाय।